हमारी जिंदगी में। हम बहुत कष्ट की जिंदगी जी रहे। हम आपसे कहें जिसने कड़वी दवाई को खाया है उसी ने रोग पर विजय प्राप्त करी है। जिसने कड़वी दवाई को खाया है उसी ने बीमारी पर रोग पर विजय प्राप्त करी है। और जिसने संसार की ठोकरों को खाया है वो जिंदगी में कहीं ना कहीं नाम कमाया है, निश्चित है। अगर दुनिया के लोग आपको ताना दे रहे हैं, दुनिया के लोग आपको अपशब्द कर रहे हैं, दुनिया के लोग कुछ भी कर रहे हैं, दुनिया के लोग आपको आड़ा टेढ़ा कर रहे हैं, तो यदि आपको कुछ कहा जा रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं आपका हित होने वाला होगा, उसमें कहीं ना कहीं आपका अच्छा होने वाला होगा। हम हिम्मत ना हारे, हम हमारी भक्ति को और प्रबल करें, हम हमारे विश्वास को और दृढ़ करें, हम हमारे भरोसे को और प्रबल करें। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हमें जैसी भी जिंदगी जी हम उससे नाराज नहीं हों। संघर्ष का जीवन में मिला तो हम उससे नाराज ना हों। संघर्ष की जिंदगी भी मिले तो हम कभी नाराज ना हो। उसने दिए कुछ अच्छा सोच कर दी होगी, कुछ अच्छा समझ कर दी होगी, कुछ अच्छा विचार कर दी होगी, कुछ अच्छा सोचा होगा हमारे लिए उस परमात्मा ने, कुछ अच्छा विचार करा होगा उस परमात्मा ने हमारे लिए। बहुत अच्छा जो पुष्प होता है, बहुत सुंदर जो फूल होता है, वो फूल साधारण नहीं होता। या तो कांटों में लगता है, या कीचड़ में खिलता है, या सूर्य की तपन झेलकर सूर्यमुखी हो जाता है, कीचड़ में रहकर कमल हो जाता है, कांटों में रहकर गुलाब हो जाता है। जो बहुत बहुत अच्छा होता है उसकी जिंदगी में कष्ट तकलीफें बहुत आती है, और भगवान जैसे कीचड़ में कमल को ऊपर रखता है, कांटों में गुलाब को ऊपर रखता है, वैसे ही आपको भी परमात्मा हाथ में रखता है।